हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चंद्र ग्रहण जल्दी ही लगने वाला है। इसका सूतक काल क्या है और ये भारत में कहां पर दिखाई देगा और भारत के अलावा किन राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जा सकता है और गर्भवती महिलाएं हैं, जो मां बनने वाली महिलाएं हैं, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए ग्रहण के दौरान, आज हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम जानते हैं आखिर चंद्र ग्रहण कहते किसे हैं। जब पृथ्वी और चंद्र परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के सीध में आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन ही होता है और रात में ही होता है चंद्र ग्रहण। पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तब चंद्र का प्रकाश थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, काला दिखाई देता है, तब चंद्र ग्रहण होता है और रात के समय ही होता है। पूर्णिमा का दिन रहता है उसी दिन चंद्र ग्रहण रहता है। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और सभी की प्रेगनेंसी के दौरान दो बार चंद्र ग्रहण जरूर होता है। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दो बार सभी गर्भवती महिलाओं को फेस करना होता है। अब हम आगे यहाँ पर इसकी टाइमिंग भी जानेंगे, सूतक काल क्या है, आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। इसके साथ ही इसका सूतक काल क्योंकि भारत में भी दिखाई देगा चंद्र ग्रहण, तो वो भी मान्य होगा क्योंकि घर में सभी महिलाएं कहती हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रभाव बच्चे पर और आप पर पड़े, क्योंकि ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव फैलता है और गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए ही ठीक नहीं रहता है। कहा जाता यह है जैसे एक नकारात्मक व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं उसके बुरे विचार, बुरे प्रभाव आपके पूरे मन मस्तिष्क को ख़राब कर देते हैं, वैसे ही ग्रहण के दौरान जो नेगेटिविटी फैलती है, जो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, वो बच्चे और आपकी जो हेल्थ पे थोड़ा सा प्रभाव डाल सकती है। तो आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है जिससे आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचे रहें, आपका और आप का बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। क्योंकि कुछ महिलाएं आजकल की जनरेशन में इन चीज़ों को नहीं मानती हैं, लेकिन जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो ज़रूर हमको बताती हैं कि आपको ग्रहण के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए, आपके बेबी की भलाई के लिए ही कह रहे हैं, आप माने या ना माने। लेकिन यहाँ पर ग्रहण के दौरान अगर आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं तो आप और आपका बेबी बिल्कुल सेफ रहेगा, मन में कोई सा भी असमंजस नहीं रहेगा कि ग्रहण के दौरान हमने ये चीज़ें नहीं की। नहीं तो प्रेगनेंसी के लास्ट तक के ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कुछ कुछ महिलाओं के साथ जो नहीं मानते हैं, फिर उनको लगता है कि काश हम ग्रहण के दौरान ये वाली चीज़ें कर लेते, घर के लोग भी बोलते हैं कि आपने ग्रहण का पालन नहीं किया, तो आपको ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रहण जो कहाँ लगेगा और किन किन हिस्सों में दिखाई देगा वो मानेंगे। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है वो भारत में भी उसका जो सूतक काल है वो मान्य होगा, जो कि ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। चंद्र ग्रहण जो है सूतक काल चंद्र ग्रहण का हमेशा 9 घंटे पहले ही चालू होता है, जो सूर्य ग्रहण रहता है उसका 12 घंटे। तो जो ये वाला चंद्र ग्रहण है ये भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका जो सूतक काल है वो भी मान्य होगा। तो आपको इस समय क्या नहीं करना है, मूर्तियों को नहीं छूना है, मंदिर में आप नहीं जा सकते, कुछ भी आप मार्केट से कुछ नई वस्त्र खरीदते हैं तो उस दिन ना खरीदें और ना ही उनको उस दिन इस्तेमाल करें। आप दूसरे दिन ज़रूर जा सकते हैं, दूसरे दिन उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके तो अपने काम एक दिन पहले ही निपटा लीजिए। बाहर ना निकलें सूतक काल के समय भी, घर में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला जो ग्रहण का समय है रात के समय है तो आप उससे पहले पहले अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें तुलसी के 2 पत्ते डाल सकते हैं। अगर आप रात में बार बार पानी पीते हैं तो पानी के अंदर तुलसी के पत्ते डालिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो नकारात्मक है, नेगेटिविटी है, तुलसी के पत्ते उसको दूर रखते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बुक्स पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़ने के साथ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ भी अपना खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ग्रहण लगने से पहले पहले ही आप पूरी फिनिश कर लीजिए। वैसे भी रात के समय है तो सारी जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई महिलाएं हैं, जो मां बनने वाली हैं, वो इस समय तक तो अपना पूरा काम कर लेंगी और यहाँ तक कि सोने का समय हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लें इस समय।
इसकी टाइमिंग रहेगी 29 अक्टूबर को रात 1:06 पर यह स्टार्ट होगा और 2:22 पर इसका समापन होगा यानी कि खत्म हो जाएगा। और यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा जैसे मैंने अभी है बताया। इसके साथ ही अब हम ये जानेंगे कि यह भारत के किन किन हिस्सों में दिखाई देगा। भारत के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका आदि राज्यों में दिखाई देगा जो पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा। तो आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में ही रहिए, घर के बाहर ना निकलें। उस दिन आप घर में ही थोड़ा टहल लीजिए, जो भी खाना है आप पहले ही खा लीजिए। अगर आप रात में भी आपको बार बार भूख लगती है तो आप तुलसी के पत्ते जो आपके खाने में है, मिल्क में है, पानी में है, जो भी चीज़ खाते पीते हैं उसमें डालकर ज़रूर रखिए ग्रहण के दौरान। ध्यान रखिए कि जो रोशनी है आप पर बिल्कुल भी ना पड़े क्योंकि उनकी किरणों से बचना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जिससे मैंने बताया एक नकारात्मक व्यक्ति के विचार आपके मन को ख़राब कर देते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है ग्रहण के दौरान कहा जाता है। तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, कहीं बाहर ना जाएं, बाहर उस दिन ना टहलें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आप नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, चाकू, छुरी, इन चीज़ों से जो नुकीली धार वाली चीज़ें रहती हैं इनसे दूर ज़रूर रहिए। ग्रहण के समापन जब ख़त्म होता है दूसरे दिन आप जैसे ही उठते हैं तुरंत स्नान कर लीजिए, उसके बाद छिड़काव कीजिए घर में गंगा जल का, उसके बाद ही सब चीज़ों को खाइए पिए। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मानता है कि हमको कुछ और भी करना था तो आप पेट के ऊपर गेरू जरूर लगा सकते हैं, नाभि के चारों तरफ लगाना है, नाभि के अंदर नहीं लगाना है। इसके साथ ही जो दूसरा है, अगर आपको गेरू नहीं मिल पाता है तो एक आप काला या लाल धागा ले सकते हैं आपके सर से लेकर पाँव तक, उसको नाप लीजिए 3 बार और दूसरे दिन उसको नहाने के बाद किसी भी पेड़ पर या मिट्टी में आप फेंक सकते हैं उस धागे को, जिससे भी नकारात्मक प्रभाव रहे ग्रहण का वो आप पर नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तब भी आप पूछ सकते हैं। ग्रहण को लेकर ज़्यादा चिंतित ना होए क्योंकि ये रात के समय है तो आप पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।